कोई मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं मतलब जो सोनिया गांधी जी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है तो इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और मैं अटल जी का और आडवाणी जी का अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि अभी आपका जाने का टाइम एक घंटा बाकी है। अटल जी नहीं, मैं तो ज्यादा बोलूंगा, मैंने ज्यादा कविता ही बोलता हूँ मैं। अटल जी कविता सुनिए। अटल जी आपका नजदीक आया है जाने का वक्त, अटल जी आपका नजदीक आया है जाने का वक्त, क्योंकि एनडी के कुछ लोग बन रहे हमारे भक्त। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब हमारा एक ही लक्ष्य है एनडीए को सत्ता से हटाना। हमारा दूसरा लक्ष्य है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह जी, सोमनाथ हमारा दूसरा लक्ष्य है तो सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, हमारा दूसरा लक्ष्य है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह जी, सोमनाथ बाबू जी, हमारे पासवान जी, देवेगौड़ा जी, प्रकाश अंबेडकर जी और लालू, सब लोगों को सत्ता मिलाना। तो सबको हमारा अभी दूसरा लक्ष्य है ये सबको सत्ता पर के बिठाना। तो अटल जी की सरकार सुनिए, प्रकाश पर प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन, यस अटल जी की सरकार बहुत है चालू, अटल जी की सरकार बहुत है चालू। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के विरुद्ध मैं क्या क्या बोलूं? अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू, अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू, मगर हमारे पास है मजबूत आरजेडी का लालू। आपके राज में अटल जी, आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू, आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू, ये सरकार के खिलाफ बोलना मैं कैसा कालू? देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालू? देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालू? आडवाणी तो आपसे भी है बहुत चालू। रामदास जी समाप्त कीजिए। अभी सबको मालूम पड़ा है कि चालू कौन है। अटल जी आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू, अटल जी आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ज्यादा चालू, उनके लिए काफी है हमारा लालू। बैठिए अभी सोनिया जी क्या जो प्रस्ताव इसका मैं और आपने दलितों के लिए राज करना चाहिए। अटल जी मेरा रंग भी, मेरा जैकेट है नीला, आपका भी जैकेट है नीला, मेरी पार्टी का रंग है नीला। जब तक आपकी पार्टी का रंग नीला नहीं होता है और आप जब तक सेकुलरिज्म नहीं स्वीकारते हैं तब तक
करना, तो इसीलिए मैं मतलब आपके पार्टी का रंग नीला होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री शब्द मैं निकालूंगा रिकॉर्ड से, आरोप करने वाले शब्द भी निकालूंगा। प्लीज इसीलिए प्लीज बैठिए रामदास जी। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.